इतना ही कहूँगा कि यू नो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज का हम सब के लिए। मैं इनफैक्ट गोवा में शूट कर रहा था, सो मैंने वहाँ से छुट्टी लेके आई केम हियर स्पेशली फॉर दिस डे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी शुड डेफिनेटली डिवोट दैट टाइम। टाइम तो यार मतलब आधा एक घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं, तो वोट कीजिए और ज़रूर वोट कीजिए। हाय सर। सो नहीं अच्छी बात है, यू नो मोर एंड मोर पीपल आर क्या कहते हैं, दे आर फीलिंग द फैक्ट दैट थोड़ा और रिस्पॉन्सिबली हमें वोट करना चाहिए, जो राइट कैंडिडेट्स हैं उनको वोट करना चाहिए। एंड आई थिंक हमारी ड्यूटी यहीं पे आके ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ से इनफैक्ट काम शुरू हो जाता है हम सबका, कि हम जो कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें कि वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, जो काम उन्होंने प्रॉमिस किया है वो सारे काम हो रहे हैं कि नहीं। बस खाली उनको बोलने से या गालियाँ देने से कोई मतलब नहीं है, आई थिंक वी शुड प्रोएक्टिवली क्वेश्चन देम एंड मेक श्योर दैट वी गेट द आंसर्स। यार मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा लगता है एजुकेशन एंड प्रोग्रेस, तो जो गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा फोकस करेगी मैं चाहूँगा कि वो यू नो सेंटर में आए। बाकी सारी चीज़ें, एक बार एजुकेशन हो जाता है आपका तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। आप समझते हो, आप सोच सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो आई थिंक प्राइमरी तो कंट्री को एजुकेट करना, मतलब प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है, और एक डेवलप्ड नेशन अगर बनना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन।